Soraya Family Vlog, like, share and subscribe my YouTube channel. Assalamu alaikum, aaj hum banayenge tomato rice. ये रखा है मैंने पहले से ही भिगो के चावल, इसमें एक कप, चार टमाटर रखे हैं काट के, दो प्याज छोटे छोटे, ये कुछ मसाले, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये है लहसुन, अदरक का पेस्ट, ये जीरा है, तेज पत्ता, इलायची, लौंग. अब हम तेल की एक चम्मच ऐड करेंगे प्रेशर कुकर में, घी की एक दो चम्मच डालनी है, सर्दी बहुत ज्यादा है. अब हम डालेंगे इसमें तेज पत्ता, फिर जीरा, अब ये कुछ मसाले, दालचीनी, लौंग, इलायची दो. दो मिनट तक इसको चलाना है. अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये सूखी लाल मिर्च को. अब मैं इसमें ये पेस्ट ऐड करूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट. जो एक चम्मच नमक का रखा था वो इसमें ऐड करें. जो टमेटो चार रखे वो इसमें ऐड करेंगे. खट्टे वाले रखे हैं मेरे, खट्टे वाले इससे ज्यादा अच्छा लगता है. इसको हाई फ्लेम में पकाना है. अभी इसको चलाना है 5-6-7 मिनट तक, जब तक ये थोड़े से पक जाएंगे. नमक पहले से ही ऐड किया है, नमक से जल्दी पक जाएंगे टमाटर. अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी एक चम्मच, मिर्ची एक चम्मच रखी, दोनों एक साथ ही डालेंगे. इतना अच्छा कलर आया कश्मीरी लाल मिर्च का, इसमें हम ये गरम मसाला ऐड करेंगे. अगर आपके पास बिरयानी वाला मसाला भी हो वो भी ऐड कर सकते हो, वो नहीं है तो ये डाल. अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे. इसी कप से हमने रखा था एक कप चावल, अब इसी से हम डेढ़ कप पानी डालेंगे. ये
हम आधी चम्मच नमक ऐड करेंगे, हमने पहले से भी नमक इसमें ऐड किया है। आप भी अपने घरों में ट्राई करना, बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत मजे का भी बन जाता है। अब इसमें एक उबाल आएगा, फिर इसको ढक्कन बंद करेंगे। अब इसमें आ गया है उबाल, इसको करते हैं हम ढक्कन बंद। एक सीटी तक पकाने देते हैं। अब हम इसके ऊपर से एक घी का चम्मच और ऐड करेंगे। ढक्कन लगा के थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। अब देखें ये हो चुका है तैयार। आप भी जरूर अपने घर में इसको ट्राई करना जरूर, और मेरी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।